जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम RRB टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करेंगे, जिसमें हम दो वैकेंसी आई है। एक तो आपकी ओपन लाइन की वैकेंसी है और एक आपकी वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट की वैकेंसी है। तो हम देखेंगे कि आपके लिए ओपन लाइन की वैकेंसी सही रहेगी या आपके लिए वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट की सही रहेगी। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पर वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट देना चाहिए या ओपन लाइन देना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने प्रेफरेंस दे दी और एक बार आपको पोस्ट अलॉट होगी तो आपको जिंदगी भर उसी पोस्ट में रहना पड़ेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो आप अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसे आप थोड़ा सही भरेंगे तो अगर आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एक बार गलत पोस्ट मिलेगी तो जिंदगी भर आपको उसी पोस्ट में रहना पड़ेगा। तो जो इस चैनल पर नए है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात करें इनके बारे में, एक तो ओपन लाइन के बारे में, एक वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट के बारे में हम अंतर देखेंगे कौन सी किस मामले में सही है। हम इसमें जो कॉमन चीज़ लेके चलेंगे, वर्कशॉप की किसी एक पोस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, ना ही ओपन लाइन की किसी एक पोस्ट के बारे में बात करेंगे। हम कॉमनली बात करेंगे कि आपकी जो ओपन लाइन में कॉमनली क्या क्या चीज़ होती है और आपकी वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में ओपनली क्या चीज़ कॉमनली क्या चीज़ होती है। बात करें हम वर्क की, तो ओपन लाइन में भी आपका मेंटेनेंस का काम रहेगा, वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट में भी आपका मेंटेनेंस का काम रहेगा। आपको कहीं भी पोस्टिंग मिले, चाहे ओपन लाइन में मिले चाहे वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट में मिले, आपका काम ओनली मेंटेनेंस का रहेगा दोनों ही जगह पे। वर्क सिटी की हम बात करें तो आपको ओपन लाइन में एक्स सिटी भी मिल सकता है, वाई सिटी भी मिल सकता है, जेड सिटी भी मिल सकता है, आपको कहीं भी पोस्टिंग आपकी दे सकते हैं। वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट की बात करें तो आपको जो पोस्टिंग है वो एक्स और मेनली एक्स और वाई सिटी में होगी। कभी कभी अगर कोई वर्कशॉप अगर जेड सिटी में है तो आपको जेड सिटी में भी पोस्टिंग दे सकते हैं, लेकिन मेनली मुख्य चांस ये है कि आपको एक्स और वाई सिटी में ही मिले। उसके बाद जो ओपन लाइन है उसमें आपको मैक्सिमम पोस्ट की एक खासियत है कि उसमें आपको एक स्टेशन आपको अलॉट करेंगे और आपको 3-4 स्टेशन से लेकर 10-12 स्टेशन तक भी काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको TA देते हैं। अगर आपकी मान चलिए ए स्टेशन पर पोस्टिंग दी और आपको सी स्टेशन पर काम करने के लिए जाना पड़ा है, और ये अगर आपसे जो स्टेशन ए से अगर 8 किलोमीटर कम से कम 8 किलोमीटर दूर है तो आपको रेलवे TA प्रोवाइड करेगी, यानी ट्रैवलिंग अलाउंस प्रोवाइड करेगी। तो सैलरी में इसको जो भी चीज़ें मिलती हैं उनमें एक एक्स्ट्रा TA मिलता है। वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट की बात करें तो आपको वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट में इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव यानी आप जितना काम करोगे उसको रेलवे आपकी सैलरी के अलावा भी उसमें कुछ ऐड करती है, तो उसमें आपका मंथली लगभग मान के चलिए कम से कम 10,000 रुपये आपका इंसेंटिव बन जाता है। TA की बात करें तो आपका TA भी 8 से 10 हज़ार बन जाता है। लेकिन वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट की एक खासियत यह है कि अगर आप JEE में प्रमोट हो गए, अगर आप जैसे ग्रेड थर्ड से ग्रेड सेकंड ग्रेड वन उसके बाद आप MCM उसके बाद अगर आप JEE बने तो JEE में इंसेंटिव नहीं मिलता, मतलब अगर आप सुपरवाइजरी पोस्ट पे जाओगे तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलता। जब तक आप टेक्नीशियन की ग्रेड पे रहोगे यानी मेंटेनेंस का काम आपका रहेगा तो आपको इंसेंटिव मिलता रहेगा। तो सैलरी में दोनों में डिफरेंस ये है कि एक में TA मिलता है, एक में TA नहीं, एक में इंसेंटिव मिलता है, क्योंकि आपको वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट में कहीं बाहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ता। एक बार अगर आपको कोई वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट अलॉट हो गई तो आपको वहीं काम करना पड़ेगा। अगर कभी साल दो साल में किसी ऑफिसर के साथ अगर आपको कहीं जाना पड़े तो आपको जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको अलग से TA मिलेगा। तो इस तरह आपको TA मिलता है। किसी दिन आप छुट्टी पर रहे तो क्या आपको इंसेंटिव मिलेगा? तो हाँ, जिस दिन आप छुट्टी पर रहोगे उस दिन भी आपको इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन TA की बात करें, जिस दिन आप वर्किंग में रहोगे और अगर अदर स्टेशन पे काम करोगे तो ही आपको TA मिलेगा, अगर अपने खुद के स्टेशन पे काम करोगे तो TA नहीं मिलेगा, या ऐसे स्टेशन पे काम करने जाओगे जो आपके स्टेशन से 8 किलोमीटर से कम दूरी पर है तो भी आपको TA नहीं मिलेगा। जैसा कि हमने वर्क प्लेस की बात करी, आपका जो वर्क प्लेस मेनली जो पोस्ट है उनमें 3-4 स्टेशन से लेके और जो कुछ पोस्ट है उसमें आपको 10-12 स्टेशन तक भी आपका वर्क प्लेस हो सकता है, यानी एक स्टेशन पे आपको पोस्टिंग दे दी ए पे और आपके अंडर में 10-12 स्टेशन दे दिए, तो आपको वहाँ अगर कभी कोई काम करना की ज़रूरत पड़ी तो आपको काम करने के लिए जाना पड़ेगा। वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट की बात करें, आपको वर्कशॉप अलॉट हुआ तो आपको वर्कशॉप ही रहेगा, प्रोडक्शन यूनिट अलॉट हुआ तो आपको प्रोडक्शन यूनिट में ही काम करना पड़ेगा। वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट में जैसे कुछ शॉप होती है, जैसे मिलराइट शॉप होगी, आपकी रोलर बेयरिंग शॉप होगी, तो इस तरह जो शॉप होती है उनमें आपको काम करना पड़ेगा। एक शॉप से आपको दूसरे शॉप चेंज करते रहते हैं लेकिन वर्कशॉप के अंदर ही आपको काम करना रहेगा, या फिर आपकी जैसे लैब होगी जो आपकी CM में काम करते हैं, आपके केमिकल एंड मेट्रोलॉजी असिस्टेंट, तो वहाँ पर भी आपको काम करना पड़ सकता है। तो वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में आपका जो वर्किंग प्लेस है वो एक ही रहता है, लेकिन जो ओपन लाइन है उसमें आपका चेंज होता रहता है।
चेंज किया, आपको कहीं भी कभी भी काम करने के लिए जाना पड़ सकता है। तो ये सबसे बड़ी जो ओपन लाइन की प्रॉब्लम है ये कि आपको ओपन लाइन में काम करना पड़ेगा, वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में ऐसा नहीं है। वर्क नेचर की बात करें तो जो आपकी ओपन लाइन की पोस्ट है फील्ड जॉब है, उसमें आपका काम थोड़ा हार्ड होता है, आपका या तो मेंटली हार्ड कह सकते हैं या आप फिजिकली हार्ड कह सकते हैं। किसी किसी पोस्ट में आपका मेंटली हार्ड है, जैसे आपका S&T डिपार्टमेंट में सिग्नल की जो पोस्ट है उसमें आपका मेंटली काम बहुत हार्ड होता है, उसमें आपको रात के 12 बजे 2 बजे कभी भी काम पर बुलाया जा सकता है। तो जो S&T की जो जॉब प्रोफाइल है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाकर देख सकते हो। उसमें आपकी उसकी पूरी जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में बताया है। वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट की बात करें, एक ही आपकी शॉप में, अगर आपके मान के चलिए रोलर बेयरिंग शॉप दे दिया या आपको मिलराइट शॉप दे दिया या कोई सी भी अगर आपको शॉप दे दी, तो आपको एक ही शॉप में काम करना पड़ेगा। या आप जिस ट्रेड से हो उस ट्रेड की, आपको जैसे वेल्डिंग से हो तो आपको वेल्डिंग की शॉप दे दी, तो उसको आपको एक ही शॉप में काम करना पड़ेगा। आपका वर्क कंपेरेटिवली ओपन लाइन की बात करें तो बहुत आसान काम होता है, कोई टफ काम नहीं होता। इसमें आपको लंच ब्रेक आराम से मिलेगा, टी ब्रेक भी मिलता है, तो और आपकी मेनली जो है डे डे की ड्यूटी रहती है, तो इसमें थोड़ा काम आसान रहता है ऐसा। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी काम पे बुलाया जा सकता है कि आपको रात में 2 बजे ज़रूरत पड़ी तो आपको 2 बजे आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ओपन लाइन में कभी भी अगर कोई भी खराबी हुई तो आपको काम पे आना पड़ेगा। कुछ पोस्ट है जिनमें ओपन लाइन में भी नाइट ड्यूटी नहीं लगती है। वर्क प्रेशर की बात करें तो ओपन लाइन में वर्क प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि ओपन लाइन जो अपना मेनली है वो अपना डायरेक्टली ट्रेन मूवमेंट से जुड़ा हुआ काम है। अगर आपने काम में कोई डिले या किसी प्रकार की कोई कोताही बरती तो आपको जो है ट्रेन जो डिले आपकी हो जाएगी, और जब ट्रेन डिटेंशन होगा तो आपको चार्जशीट मिलने के चांस ज़्यादा रहते। लेकिन वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट ऐसा नहीं है, डायरेक्ट आपका ट्रेन डीलिंग से किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपका काम एक दिन भी अगर डिले हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आज का काम कल कर सकते हो, कल का परसों कर सकते हो। लेकिन ओपन लाइन में ये नहीं है, अगर आप अभी का काम है तो आपको अभी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे बाद करो। तो इसमें जो वर्क प्रेशर ये बना रहता है, आपको कभी भी आप डिले काम को नहीं कर सकते। अगर डिले किया और ट्रेन डिटेंशन हुई तो वो आप ही के सर पर आएगा और आपको चार्जशीट मिल जाएगी। रेस्ट की बात करें हम तो ओपन लाइन में जो आपका रेस्ट होता है वो कोई फिक्स नहीं होता कि आपको संडे को ही रेस्ट मिलेगा, आपको वीक में एक रेस्ट मिलेगा, चाहे वो मंडे को मिल जाए, चाहे फ्राइडे को मिल जाए, चाहे सैटरडे को मिल जाए। तो यानी आपका ओपन लाइन में जो रेस्ट है वो फिक्स नहीं रहता। वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट की बात करें तो आपका सैटरडे हाफ डे रहता है और संडे आपका ऑफ रहता है, ये फिक्स है। या आप कभी भी आप जब वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट किसी में भी आप अगर पोस्टिंग होगी आपकी, तो आपको जो सैटरडे है वो हाफ डे मिलेगा और संडे आपका ऑफ मिलेगा। बात करें हम नेशनल हॉलीडे के बारे में, तो आपका जैसे नेशनल हॉलीडे आपका ईद हुआ, दिवाली हुआ, राखी हुआ, रक्षाबंधन आपका, होली हुआ, तो उस दिन आपकी जो ओपन लाइन है उसमें किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं रहती है। आपको छुट्टी इस त्यौहार मनाने के लिए मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। अगर आपके स्टाफ में आपके जो 7-5 टेक्नीशियन काम करते हैं, अगर 2 छुट्टी ले लिए तो उन 3 को काम करना पड़ेगा, उन 3 को छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में ऐसा नहीं है, आपका नेशनल हॉलीडे के दिन आपकी छुट्टी रहती है, आप त्यौहार अपने घर वालों के साथ मना सकते हो। फिर जो ओपन लाइन है उसमें फैमिली के लिए टाइम थोड़ा कम मिलता है, लेकिन जो वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट में फैमिली के लिए बहुत बढ़िया टाइम मिलता है। तो नेशनल हॉलीडे के दिन अगर आप ओपन लाइन में अगर काम करोगे तो आपको अलग से रेलवे जो नेशनल हॉलीडे अलाउंस है वो देती है, लेकिन वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट में ऐसा नहीं है, क्योंकि ना तो आप नेशनल हॉलीडे के दिन काम करोगे ना ही आपको अलाउंस देगी। नाइट ड्यूटी की बात करें तो आपका जो नाइट ड्यूटी ओपन लाइन में आपका नाइट ड्यूटी रहता है, आपका फिक्स है, आपका नाइट ड्यूटी आपको काम करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ पोस्ट ऐसी है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको नाइट में पर्टिकुलर आपकी ड्यूटी लगेगी, लेकिन ऐसा है कि अगर आपको काम के लिए अगर कोई भी खराबी हुई और आपको मेंटेनेंस के लिए जाना पड़ा तो आपको रात में भी जाना पड़ सकता है, लेकिन आपकी फिक्स नाइट ड्यूटी नहीं रहती है। अगर काम की ज़रूरत पड़ेगी तो ही आपको काम पे जाना पड़ेगा, अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं जाना पड़ेगा। वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट की हम बात करें तो इसमें किसी प्रकार की कोई नाइट ड्यूटी नहीं रहती है। अगर साल में कभी 1-2 बार नाइट ड्यूटी लग गई तो लग गई, नहीं तो वर्कशॉप में प्रोडक्शन यूनिट में नाइट ड्यूटी बहुत कम लगती है, तो नाइट ड्यूटी के भी आपके चांस कम है। वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट में कोई कोई पोस्ट है जिसमें आपकी नाइट ड्यूटी लग सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो पोस्ट है उनमें आपकी नाइट ड्यूटी नहीं लगेगी। नेशनल हॉलीडे की हम बात करें तो आपके ओपन लाइन है उसमें आपके जो 12 नेशनल हॉलीडे माने जाते हैं, आपको 12 दिन के नेशनल हॉलीडे रहेंगे। तो आपको जो अगर 12 दिन भी काम करोगे आप उस नेशनल हॉलीडे के दिन, तो आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलेगा। लेकिन जो वर्कशॉप है प्रोडक्शन यूनिट में उसमें आपके 15 नेशनल हॉलीडे माने जाते हैं, तो आपको 15 दिन की आपकी नेशनल हॉलीडे की छुट्टी रहती है। यहाँ पर 12 माने जाते हैं, यहाँ पर 15 माने जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब आपको CL मिलती है यानी कैजुअल लीव मिलती है, तो ओपन लाइन में आपको 10 कैजुअल लीव मिलेगी,
जिन्हें आप कभी भी ले सकते हो। ये आपकी एक साल में 10 मिलती है, तो आपकी ये 10 अगर आपने एक साल में 10 नहीं ली तो आपकी अगले साल ये ख़त्म हो जाती है, ऐड नहीं होती है। और वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में आपकी 8 CL मिलती है, जिन्हें आप एक साल में कभी भी अपने जब ज़रूरत पड़े आपको घर पे तो आप 8 CL ले सकते हो। तो इस तरह आपकी जो नेशनल हॉलीडे रहते हैं और CL रहती है। गर्ल्स के लिए बात करें तो ओपन लाइन की थोड़ी चैलेंजिंग जॉब रहती है, आप फैमिली और जॉब को आपको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में एक जगह का जो आपकी ड्यूटी है वो रहती है, तो आपको कहीं पर भी फील्ड में काम करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो हार्ड वर्क है वो भी कम रहता है, ओपन लाइन में हार्ड वर्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो गर्ल्स के लिए हम बात करें तो वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट की पोस्ट ज़्यादा सही रहेगी और ओपन लाइन की पोस्ट थोड़ी सी सही नहीं रहेगी। फिर हम बात करें कि जो चाहे ओपन लाइन में हो चाहे आपकी वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट में, जैसे पेंटर, आपको पेंटर को सबसे लास्ट में रखना है, क्योंकि जब आप पेंट करते हो तो उसमें एक जो इसके पेंट से वो उड़ता है कलर, तो वो आपकी जो सांस में जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पेंटर हुआ, बेल्डर हुआ, और जो ट्रैक मशीन ऐसी है कि आपको अगर आपको ट्रैक मशीन अलॉट हुई है तो लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है ट्रैक मशीन, तो क्योंकि एक बार आपको ट्रैक मशीन अलॉट होगी तो आपको 21 दिन के लिए ट्रैक मशीन में ही रहना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए आप ए स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग, आपकी ट्रैक मशीन ए स्टेशन से गई, आपके साथ एक जेई एक एसएससी रहेगा और मान चलिए 10-12 टेक्नीशियन रहे, तो आपको काम करने के लिए यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ा स्टेशन डी पर, तो आपको यहीं पे रहना पड़ेगा। आपको एक कोच मिलेगा जो आपका स्लीपर का कोच रहता है, आपके साथ एक कोच रहेगा, उसमें आपकी सारी खाने पीने की सबकी व्यवस्था रहेगी, आपको वहीं खाना पड़ेगा और 21 दिन तक आपको इसी मशीन में रहना पड़ेगा, वहीं पे आपको काम करना पड़ेगा। जब भी आपको ब्लॉक मिलेगा 21 दिन के बाद आपकी 9 दिन की छुट्टी रहती है, आप उस 9 दिन में घर जा सकते हो। तो महीने में आपको 21 दिन काम करना पड़ेगा, वही 24 आवर आप ड्यूटी पर ही रहोगे। उसमें ये होता है कि आप सोने के लिए भी आराम से टाइम मिलता है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको घर से बाहर रहना पड़ता है 21 दिन तक, उसके बाद आपको 9 दिन की छुट्टी रहेगी। तो ट्रैक मशीन लड़कियों के लिए सही नहीं है। पीवे की बात करें तो आपका जो परमानेंट वे है, जो पटरियों से रिलेटेड काम है, जैसे आपके ट्रैक मेंटेनर काम करते हैं ऐसे ही आपके टेक्नीशियन भी काम करते हैं, तो आपका जो पीवे का पोस्ट है उसको भी आप लास्ट में प्रेफरेंस दीजिए। तो ये जो मैंने 4 पोस्ट बताई है इनको आपको लास्ट में प्रेफरेंस देनी है, चाहे आपकी ये ओपन लाइन में हो चाहे आपकी वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट में हो, क्योंकि ये पोस्ट एक बार आपको अलॉट होगी तो आपको ज़िंदगी भर इन्हीं पोस्टों में रहना पड़ेगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम कंक्लूजन की बात करें तो आपकी वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट की जो आपकी पोस्ट है वो ज़्यादा अच्छी है और ओपन लाइन की वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट की तुलना में थोड़ी कम सही पोस्ट है। तो इसके आधार पर आप अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो दे सकते हो। अगर फिर भी आपको वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट या ओपन लाइन की पोस्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।